हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये बहुत ही डिलिशियस चिकन चाउमीन की रेसिपी, जो अक्सर शाम को कभी बैठे बैठे डिसाइड होता है कि चलो चाउमीन मंगवा ली जाए, और फटाफट से जाते हैं हम किसी भी लोकल साइड स्ट्रीट शॉप पर और ले आते हैं बढ़िया सी बनी हुई चाउमीन। लेकिन घर पर बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं क्या क्या चाहिए एक परफेक्ट चिकन चाउमीन बनाने के लिए। किसी भी तरीके के चाउमीन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि नूडल्स हम किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला, चाउमीन मसाला। थर्ड, अलग अलग तरीके की सॉसेस। फोर्थ, वेजीज, अलग अलग तरीके के वेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ क्योंकि हम चिकन चाउमीन बना रहे हैं तो स्टर फ्राइड चिकन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ स्क्रैम्बल्ड एग, जो बनाएगा इसको एक परफेक्ट चिकन चाउमीन। स्क्रैम्बल्ड एग अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो एक एक कॉम्पोनेंट को एक अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बात करी थी वो है नूडल्स की, किस तरीके के नूडल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कैसे नूडल्स को उबालना है। तो पहले मैंने 7 से 8 कप पानी उबलने के लिए रख दिया। जब इसमें उबाल आने लगा है तो अच्छा इसमें नमक डाल दें। नमक डालना बहुत ज़रूरी है ताकि नूडल्स हमारे फीके ना रहें। उसके बाद इसमें 2 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है ऑयल, और साथ साथ अब नूडल्स हम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर चिंग्स का नूडल्स पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही इजीली अवेलेबल पैकेट है ये, और साथ साथ इसके जो नूडल्स हैं उससे बहुत ही बढ़िया चाउमीन बनकर आती है। तो इजीली अवेलेबल भी है और बहुत ही मज़ेदार भी बनकर आते हैं। तो ये एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, आप ये इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको हम उबालने देंगे कितने टाइम तक, 2-3 मिनट। 2 और 3 मिनट के बीच में ही आपको इसको उबालना है। अगर आप 4 मिनट इसको कर देंगे तो आपके नूडल्स ज़्यादा पक जाएंगे। हमें नूडल्स को बिल्कुल अंडर कुक्ड पकाना है, जिस स्टेज को बोलते हैं अल्डांटे, जिसका मतलब है आधा पका हुआ, यानी कि अध कच्चा सा हमें पकाना है। तो ये नूडल्स मैंने 2 मिनट के लिए उबाले हैं, और उसके बाद बस अब मैं इसको फटाफट से ड्रेन कर लूँगी सारे पानी को, क्योंकि बिल्कुल अगर आप आधा मिनट भी ज़्यादा पका लेंगे तो आपके नूडल्स ओवर कुक हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस छन्नी में इसको छान लें, और फटाफट से अब इसको हम ठंडे पानी के नीचे एक बार रिंस कर लेंगे, जिससे कि जो कुकिंग प्रोसेस है स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में इसको रिंस नहीं करेंगे तो जो गर्म नूडल्स हैं ये गर्माहट में और पकते जाएंगे। तो हमें उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इसको फटाफट से ठंडे पानी के नीचे एक बार रिंस करना है। तो मैंने नल के नीचे इसको टैप वाटर में रिंस कर लिया, उसके बाद एक छन्नी में इसको डाल के इस तरीके से रख दिया है। उसमें 1 से 2 चम्मच आप ऑयल डालें, और बस इस तरीके से आपके बढ़िया नूडल्स तैयार हो चुके हैं एक परफेक्ट सी चाउमीन बनाने के लिए। तो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है अलग अलग तरीके के वेजीज़ का इस्तेमाल होता है चाउमीन में। क्योंकि ये चिकन चाउमीन है तो इसमें मैं कम वेजीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने एक छोटी कैरेट ली है, जिसको पील करके वॉश करके जूलियंस में कट करा है। साथ साथ एक मीडियम साइज़ की बेल पेपर, हरे रंग की शिमला मिर्च जिसको मैंने जूलियंस में काट रखा है, 1 कप मैंने यहाँ पर ली है ये पत्ता गोभी कटी हुई, साथ साथ एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, थोड़ी सी मैंने ली है स्प्रिंग अनियन ग्रीन और वाइट, 3 से 4 ले सकते हैं आप, और साथ साथ मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 से 3 लहसुन की कलियाँ जो मैंने फाइनली चॉप कर रखी हैं। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन किस तरीके का चाहिए, इस तरीके की पत्ती पत्ती स्ट्रिप्स होनी चाहिए, जो चाउमीन में दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो बस अब इन चिकन स्ट्रिप्स को हम कर लेते हैं सीज़न। हल्का सा नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, मैंने आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च डाला है और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। एक तरीके से सीज़न कर रहे हैं हम इसको ताकि टेस्ट आए चिकन में। उसके बाद इसमें डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर देते हैं इसको सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, और साथ साथ इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए हम रख देंगे साइड में, और उसके बाद इसको करेंगे स्टर फ्राई। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हैं हम। तो 2 अंडे ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और बस हल्का सा नमक और काली मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद इसको बीट कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड में, जिससे हम बना लेंगे बढ़िया सा स्क्रैम्बल्ड एग, जो बहुत ही टेस्ट एनहांस कर देता है चिकन चाउमीन का। अब प्रिपेयर करते हैं मसाला। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें या नहीं भी डालें, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ साथ ये आधा चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच क्यूमिन यानी कि रोस्टेड भुने हुए जीरे का पाउडर, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो बस ये तैयार हो चुका है बढ़िया सा चाउमीन मसाला। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। ये है मसाला, अंडा जो हमने बीट करके तैयार करा है, चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है 15 मिनट्स हो गए हैं जिसको, साथ साथ वेजीज, और ये हमारे नूडल्स हैं जो हमने उबाल कर तैयार करे हैं। तो देखिए कितने अच्छे शाइनी नूडल्स हैं, एकदम चिपके भी नहीं है साथ साथ। तो बस अब हम सब चीज़ों को मिलाकर बना लेंगे चाउमीन। तो 2 चम्मच तेल को मैंने गर्म कर लिया है,
इसके अंदर जो बीट करके हमने अंडा रखा था वो डालेंगे और बस इससे बना लेते हैं हम स्क्रैम्बल्ड एग। फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे। तो ये जब अंडा हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए, तो इसको हम निकाल के सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। और अब सेम कढ़ाई वो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, और तेज़ गर्म जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। चिकन को अच्छे से उलट पलट करके फ्राई करेंगे हम, जब तक कि अच्छा पक नहीं जाता और गोल्डन सा नहीं हो जाता हमारा चिकन। तो ये हाई फ्लेम पे ही मैं चिकन को पका रही हूँ और देख सकते हैं आप चिकन अच्छा गोल्डन हो चुका है, बढ़िया पक चुका है एकदम। तो इसको भी अब हम सेपरेट प्लेट में निकाल कर रख लेंगे कुछ इस तरीके से। जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हल्का सा ऑयल आप ऐड करना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। तो 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और डाल सकते हैं और उसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमने सबसे पहले लहसुन की कलियाँ काट कर तैयार करी थी वो। इसको हल्का सा पका लेंगे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो प्याज को हल्का सा हम चला लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। इसके साथ साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन वाइट्स भी इसमें डाल दिए जो हमने प्याज डाली है उसके साथ। तो स्प्रिंग अनियन वाइट और ये प्याज को अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए पका लिया है और साथ साथ ही अब इसके अंदर जाएंगे सारे वेजीज जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर। हल्का सा इसको मिला लिया है मैंने और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पत्ता गोभी भी और सारे वेजीज को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। वेजीज को आपको पकाते हुए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल पकाना नहीं है कम्प्लीटली। हल्का सा जो क्रंचीनेस होती है वेजीज में वो हमें रहने देनी है वरना बहुत ही सॉगी सी चाउमीन बनकर आती है। तो इसलिए थोड़ा सा क्रंच, थोड़ा सा जो पार्शली से कुक्ड होते हैं वेजीज वो बहुत बढ़िया लगते हैं। अब इसके अंदर डाल दी है 1.5 टेबलस्पून टमाटो केचप वेजीज को 2-3 मिनट पकाने के बाद। 0.5 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं हॉट चिली सॉस। 2 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आता है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट से लाए हुए नूडल्स हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबलस्पून वाइट विनेगर और सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें और बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे नूडल्स। और देख सकते हैं आप कितने खिले खिले ये नूडल्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पकने चाहिए नूडल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे मसाला। मसाला ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ ताकि नूडल्स पे अच्छे से कोट हो जाइए, वरना पहले भी डाल सकते थे जो हमने मिक्स डाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि नूडल्स पे कोट करे ये मसाला जो बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी लगता है, साथ साथ नूडल्स भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बस ऊपर से ये गया एग और जो हमने स्टफ फ्राइड चिकन तैयार करा है अपना वो। और अब सब चीज़ों को हमें करना है बस सिंपल मिक्स। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि मसाला बहुत अच्छे से नूडल्स पे कोट होता जा रहा है, साथ साथ ही रंग भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करा है। इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, डाल दीजिए। और बस बनकर तैयार हो चुकी है डिलिशियस सी चिकन चाउमिन जिसे मैं आप सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनकर आई है ये। तो ये बहुत ही डिलिशियस सी परफेक्ट चिकन एग चाउमिन घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार है। मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होती है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से एक परफेक्ट चिकन चाउमिन आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बनाइए इसे किसी गेट टुगेदर के लिए, बच्चों की पार्टीज़ के लिए, या फिर सिंपल घर पर बैठे हो कभी और मन करे चाउमिन खाने का, तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए और उसके बाद डेफिनेटली आई एम श्योर आप वापस आकर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया बनकर आई है ये चाउमिन। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक बनाइए एंड एन्जॉय दिस। हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।